हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ब्रीड के पपीज लेके आया हूँ जिसे बहुत से लोग तो काफी पसंद करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्हें घर में रखना नहीं चाहते। उसका रीजन ये है कि वो लोग सोचते हैं कि ये काफी अग्रेसिव डॉग्स होते हैं। तो शायद मोस्टली लोग तो समझ ही गए होंगे कि आज हम कौन सी डॉग ब्रीड के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ गाइस, आज हम बात करेंगे पिटबुल के बारे में। सो फ्रेंड्स, पपीज एकदम प्योर क्वालिटी के हैं, तो इनकी क्वालिटी को लेके आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और सभी पपीज काफी एक्टिव और हैवी बोन है। पिटबुल को लेके बहुत सारे लोगों के माइंड में कुछ गलत फहमी है कि ये डॉग्स बहुत ही अग्रेसिव होते हैं और यहाँ तक कि अपने ओनर को भी काट लेते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि दूसरे डॉग्स की तरह पिटबुल भी अपनी फैमिली के बहुत ही लॉयल डॉग्स हैं और ये साथ में काफी फ्रेंडली और प्लेफुल भी होते हैं। बट फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कुछ कन्फ्यूजन है तो अपने कुछ ऐसे दोस्तों से कॉन्टेक्ट करो जिनके पास पिटबुल है, वो आप लोगों को इजिली बता देंगे कि इन डॉग्स का बिहेवियर कैसा होता है। इवन मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने स्टार्टिंग ही पिटबुल से की थी और आज वो डॉग्स उनकी फैमिली का एक हिस्सा है जो उन्हें कभी भी छोड़ना नहीं चाहते। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब उन्हें पिटबुल के अलावा कोई और डॉग ब्रीड पसंद ही नहीं आती। पिटबुल अपनी फैमिली और ओनर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर उनके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं करेंगे। और दोस्तों, ये डॉग्स इंसानों के लिए तो नहीं पर दूसरे एनिमल्स के लिए थोड़े अग्रेसिव जरूर होते हैं, क्योंकि पिटबुल डॉग को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि उनके एरिया में कोई दूसरा डॉग या कोई और एनिमल आए। बट अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि क्या सभी पिटबुल्स ऐसे होते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, बिल्कुल भी नहीं। ये सब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग अपने डॉग्स को कैसे सोशलाइज करते हो, क्योंकि अगर आप लोग बचपन से इन डॉग्स को दूसरे एनिमल्स के साथ भी टाइम स्पेंड करने के लिए दोगे तो ये उनके लिए भी बिल्कुल अग्रेसिव नहीं होंगे। बट अगर आप लोग किसी भी डॉग को सोशलाइज नहीं करते, दूसरे लोगों से नहीं मिलाते और उन्हें हमेशा बांध के रखोगे, तो ऑब्वियसली वो डॉग अग्रेसिव तो होगा ही। तो अपने डॉग को एक अच्छा कंपेनियन डॉग जरूर बनाएं और अपने आसपास के एनवायरनमेंट से उन्हें अच्छे से फैमिलियर करें। तो फ्रेंड्स, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये इन पपीज की मदर है, फीमेल काफी अच्छी क्वालिटी की है। और फ्रेंड्स, ये इन पपीज के फादर की क्वालिटी भी आप लोग देख सकते हैं। तो क्वालिटी वाइज आप लोगों को दोनों कैसे लगे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर जरूर बताएं। और गाइज, अगर आप एक डॉग लवर हैं और किसी भी डॉग को परचेज करना चाहते हैं या फिर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो इस चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पे प्रेस करके उसे ऑल पर करें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए अब बात करते हैं इन पपीज की बाकी की इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो अगर इनकी एज के बारे में बात करें तो ये पपीज 35 डेज के हो चुके हैं और इनकी जो लोकेशन है वो है पंचकुला, हरियाणा से। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है इन पपीज को परचेज करने के लिए, तो उसके लिए आप लोगों को डायरेक्ट विजिट करना होगा, क्योंकि डिलीवरी आप लोगों को अवेलेबल नहीं मिल पाएगी। तो अगर इनकी प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ओनर ने जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की है 15,000 रुपीज, 15,000 रुपए, और फीमेल की है 12,000 रुपीज, यानी 12,000 रुपए। आई थिंक क्वालिटी के हिसाब से प्राइस काफी अच्छा है। बाकी आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि अकॉर्डिंग टू क्वालिटी आप लोगों को इनका प्राइस कैसा लगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास भी कोई डॉग है, आप लोग उसे सेल या फ्री में अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो अपने डॉग्स की वीडियोस और उनकी बाकी की इन्फॉर्मेशन मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। तो जल्दी ही मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो में एक और न्यू डॉग के साथ। सो तब तक कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड बाय बाय।